पर चलिए 19 देखते हैं। 19 नंबर में दिया हुआ है सेक ए इंटू में 1 माइनस का साइन ए इंटू में सेक ए प्लस का टेन ए, चलिए इक्वल टू में 1 प्रूव करना। तो इसका एलएचएस लेते हैं। दिया हुआ है यहाँ पर सेक ए इंटू में 1 माइनस का साइन ए, अच्छा, और फिर इंटू में सेक ए प्लस का टेन ए। सबको यहाँ साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, कोई अब हमें फॉर्मूला नहीं दिख रहा तो यही काम करेंगे। यहाँ 1 बाई कॉस ए हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का साइन ए इंटू, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस ए सेक का, और टेन का हो जाएगा साइन ए बाई में कॉस ए। आइडेंटिटी जानते ही हैं, अब इसमें लिखने की क्या जरूरत है, आपको समझ में आ ही रहा। हम लोग यहाँ पे लगाए हैं टेन ए इक्वल टू में साइन ए बाई कॉस ए, और दूसरा हमने यहाँ पे लगाया है सेक ए का, जो कि होगा 1 बाई कॉस ए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस का साइन ए, अंदर यहाँ एलसीएम ले सकते हैं कॉस ए, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का साइन ए। ऊपर एक बार माइनस प्लस में है तो हम लोग जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना जी, तो यही ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। ऊपर जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देख रहे हैं ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल कॉस स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो ऊपर आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए और नीचे भी कॉस स्क्वायर ए है, कट के यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया, यानी कि आर एच एस आपका आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट देखते हैं।